यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया, जिसके अनुसार भर्ती उम्र सीमा 40 से बढ़ाकर 42 अब कर दी गई है। तो वहीं अब इस फैसले पर विरोधी पार्टियों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। मामले पर बोलते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार बेरोजगारों के लिए हाथ पर हाथ धरी बैठी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं उनकी सुध भी सरकार नहीं ले रही है और कंप्यूटर टीचर्स और लैब अटेंडेंट की समस्या को भी विधानसभा सत्र में बुला करके खत्म करना चाहिए। अशोक अरोड़ा ने न सिर्फ बीजेपी पर बल्कि हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही इनेलो की नई कार्यकारिणी विस्तार बारे में बोलते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि जल्द से जल्द नई कार्यकारिणी का गठन होगा। सरकार लगातार रोजगार देने की बजाय युवाओं का रोजगार छीनने का काम कर रही है। कहा करते थे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और अब तो पक्के भी कच्चे करवाने का काम इस सरकार की नलायकी की वजह से हो गया। हाई कोर्ट में ठीक पैरवाई ना करने की वजह से आज हजारों युवा जो नौकरी पर लगे हुए थे आज वो बेघर हो गए। विधानसभा का सत्र बना के बुला के कोई कानून बना के उनको भी पक्का करे ताकि लोगों को रोजगार।